पीरियड्स की डेट को पीछे करना चाहते हैं तो आजमाएं ये प्राकृतिक तरीके। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं बहुत सारे ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, मेकअप टिप्स और ड्रेसिंग टिप्स। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे प्राकृतिक तरीके जिससे आप अपने पीरियड्स की डेट को पीछे कर सकते हैं। हर लड़की की सबसे बड़ी परेशानी उन क्षणों की होती है जब वो मासिक धर्म से होकर गुजरती है, पर कभी कभी ये परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें अपने पीरियड्स की डेट को पीछे करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब कारण जो भी हो, पर यदि आप अपने पीरियड्स की डेट को डिले करना चाहते हैं तो हमेशा प्राकृतिक या घरेलू तरीकों का ही इस्तेमाल करें। लड़कियों को पीरियड्स की समस्या को आगे पीछे करने के दौरान एक बात की चिंता ज्यादा सताने लगती है कि कहीं इसका प्रभाव उनके आने वाले सुनहरे भविष्य की रुकावट न बन जाए, इससे उन्हें किसी प्रकार की अंदरूनी समस्या का सामना न करना पड़ जाए। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए हम आपको बता रहे हैं उसका समाधान। दोस्तों, वैसे तो बाजार में मिलने वाली तरह तरह की गोलियों का सेवन महावारी की तारीखों को बढ़ाने या घटाने में मदद करता है, पर उससे होने वाले दुष्प्रभाव हमारे प्रजनन अंगों पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसीलिए ऐसे खतरनाक उपायों की जगह पर आपको प्राकृतिक उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहला तरीका है लंबे समय तक व्यायाम करें। अगर आप व्यायाम की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, तो अपने पीरियड्स की डेट को पीछे करने के लिए योगा करना शुरू कर दें और इसकी टाइमिंग को बढ़ाते जाएं। दिन भर में एक या आधे घंटे व्यायाम करने से आपकी महावारी की तारीख टल सकती है। मसालेदार चीजों का सेवन ना करें। मसालेदार चीजों का उपयोग हमारे शरीर में गर्मी पैदा करने का काम करता है, इसीलिए ज्यादा मसालेदार भोजन करने से बचें। इसका ज्यादा सेवन करने से पीरियड्स समय से पहले आ सकते हैं, इस कारण आप कुछ दिनों तक मसालेदार चीजों से दूर रहें। काली मिर्च, लहसुन, अदरक, इनका सेवन कतई ना करें। सिरके का उपयोग। सिरका आपके पीरियड्स की डेट को पीछे करने का सबसे अच्छा उपाय है। इसका उपयोग करने के लिए आप एक गिलास पानी में 3 से 4 चम्मच सिरका डालकर उसका सेवन दिन में 3 से 4 बार कर सकती हैं। चने की दाल। चने की दाल में प्रोटीन की मात्रा काफी पाई जाती है, पर ये कोई नहीं जानता होगा कि आपकी महावारी को रोकने का ये सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। ये आपके मासिक धर्म को भी डिले कर सकता है। थोड़ी सी दाल को फ्राई करके मिक्सी में पीस कर उसका पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को पानी के साथ मिलाकर सूप बनाकर पी लीजिए। इसका उपयोग आप अगले पीरियड्स की ड्यू डेट से 7 दिन पहले से करना शुरू कर सकते हैं। इस सूप का उपयोग आप सुबह खाली पेट ही करें, ये सबसे अच्छा उपाय साबित होगा। दोस्तों, अगला प्राकृतिक तरीका है अजवाइन के द्वारा। अजवाइन एक औषधीय मसाला है जिसका सेवन भारत में बहुतायत होता है, इसीलिए ये हमारे घरों में आसानी से मिल जाता है। मासिक धर्म की तारीख को पीछे करने के लिए आप अजवाइन की पत्ती को लेकर पानी में उबाल लीजिए और उस पानी को शहद के साथ पी लीजिए। ऐसा आप दिन में 2 या 3 बार करेंगे तो मासिक धर्म की तारीख को पीछे किया जा सकता है। नींबू। मासिक धर्म की डेट को पीछे करने के लिए आप नींबू के रस का सेवन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अपने खाने में मिलाकर कर सकते हैं। नींबू का सेवन पानी के साथ भी कर सकते हैं, इससे पीरियड्स कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं। पर ध्यान रहे, नींबू का सेवन करने से आने वाला पीरियड भयानक पीड़ा वाला साबित हो सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनके सेवन से दूर रहना चाहिए अगर आप अपनी महावारी की डेट को पीछे करना चाहते हैं तो। ये चीजें ऐसी हैं जो आपके शरीर में हीट पैदा करती हैं और शरीर में गर्मी के बढ़ने से मासिक धर्म की तारीख पीछे नहीं बल्कि समय से पहले आ जाती है। इसके लिए आप अनार, डार्क चॉकलेट, गुड़, लाल मांस, पपीता, खजूर, गाजर, तिल, हल्दी, पाइनएप्पल, ये सब चीजों का सेवन करने से बचें। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको कुछ प्राकृतिक तरीके और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ बताए जिनके सेवन से आप अपने पीरियड्स की डेट को पीछे कर सकती हैं। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में हमें जरूर लिखें। दोस्तों, आप अपनी राय व सुझाव हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। देखते रहें पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन।